मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों हम मैथ्स में एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व कर रहे थे और एक्सरसाइज 7.2 में मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिया था, है ना। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है। देखिए, तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या है, इन अ स्क्वायर शीट, मतलब आपको एक स्क्वायर कलर की मतलब स्क्वायर शीट लेनी है, जैसा आप इस फिगर में देख सकते हैं। ड्रॉ टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज सच दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, है ना। मतलब आपको दो ट्राइंगल बनाने हैं इक्वल एरियाज के, जिनका एरिया कैसा हो, इक्वल हो, मतलब इक्वल एरिया हो, और इस तरीके से बनाने हैं कि जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट ना हो, जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट ना हो, ठीक है। तो देखिए, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट का मतलब उनकी साइड्स और उनके एंगल्स बिल्कुल सेम हो, है ना। तो मैंने देख सकते हैं आप ये स्क्वायर कलर की शीट पे इसी तरीके की दो ट्राइंगल्स बनाए हैं जिनकी देखो तीनों साइड्स इक्वल हैं, मतलब इसकी तीनों साइड किस ट्राइंगल के इक्वल हैं, इस नीचे वाले तीनों साइड्स के इक्वल, है ना। मतलब ट्राइंगल जो ए बी है वो बराबर है डी ई के, जो ए सी है वो बराबर है डी एफ के, और जो बी सी है वो बराबर है आपकी ई एफ के। तो आपको इक्वल मेजरमेंट के बनाने हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने ए बी 5 सेंटीमीटर ली तो आप डी ई भी 5 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि ये कैसे ट्राइंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, मीन्स इनकी तीनों साइड्स नीचे वाले तीनों साइड तीनों ट्राइंगल की साइड से क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आपको दोनों ट्राइंगल बनाने हैं विद इक्वल साइड्स, ठीक है। मतलब ए बी बराबर हो डी ई के, ए सी बराबर हो डी एफ के, और बी सी बराबर हो ई एफ के, ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि ए बी इक्वल है किसके, ए बी है डी ई के इक्वल, ए सी है बच्चों किसके इक्वल, डी एफ के इक्वल, और इसी तरीके से हम देखेंगे कि जो बी सी है वो इक्वल है बच्चों ई एफ के, हुँ? ये तीनों चीज़ें हमें दे रखी हैं, मतलब हमने बनाई हैं। अब आपसे पूछा गया है कि आप इनके पैरीमीटर्स के बारे में क्या कह सकते हैं। देखो, जब तीनों साइड इन दोनों के पैरीमीटर्स के बारे में आप क्या कह सकती हैं कि जो इन तीनों इन दोनों के पैरीमीटर्स इक्वल होंगे या फिर अनइक्वल होंगे। देखिए, जब तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, ए बी बराबर डी ई के, ए सी बराबर है डी एफ के, बी सी बराबर है सी एफ के, तो जब मैं इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स का सम करूँगी वो इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स के सम इक्वल आएगा, आएगा ना इक्वल। जैसे अगर हम सपोज मान लें, जैसे मैंने माना ए बी है 5, ए सी है 3 और बी सी है 4, और इसी तरीके से मैंने नीचे वाला ट्राइंगल बनाया है, डी ई भी 5 बनाई है। अगर थोड़ा ना मेजरमेंट आप इसको रुको मैं बताऊँ, इसको आप 3 कर लीजिए और इसको 5 और इसको 4, ठीक है। इसी तरीके से मैंने ये भी ट्राइंगल बनाया है क्योंकि इक्वल साइड्स का बनाया है, तो ये भी 5 है और ये भी 4 है। तो जब देखिए मैं ए बी से ट्राइंगल का पैरीमीटर निकालूंगी तो कितना आएगा बच्चों, 5 + 3 + 4, 8 + 4 = 12, ठीक है। इसी तरीके से मैं डी ई एफ का डी ई एफ ट्राइंगल का पैरीमीटर निकालूंगी तो कितना आएगा, 4 + 3 = 7, 7 + 5 = 12। मतलब दोनों के पैरीमीटर्स कैसे आए, इक्वल आए। कैसे आए दोनों के पैरीमीटर्स, इक्वल आए। इसका मतलब जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हमने बनाए हैं उनके पैरीमीटर्स कैसे होंगे बच्चों, इक्वल होंगे, ठीक है। तो आप मेजरमेंट आपको लिखने की नीड नहीं है, पहले आप लिखेंगे ए बी बराबर डी ई, ए सी इक्वल डी एफ और बी सी इक्वल ई एफ, फिर आप सम करके लिख देंगे कि ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी इक्वल टू डी ई प्लस डी एफ प्लस ई एफ, ओके। हैंस पैरीमीटर ऑफ दीज टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इज इक्वल, मतलब पैरीमीटर्स क्या है, इक्वल है, ओके। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है कि आपको ऐसे ट्राइंगल्स बनाने हैं जो कॉन्ग्रुएंट ना हों। कॉन्ग्रुएंट ना होने का मतलब कि हमें एक भी तीनों में से कोई सी भी साइड इक्वल नहीं बनानी है। देखिए कैसे करेंगे उसे हम। देखिए आप ये दोनों ट्राइंगल देख सकते हैं, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी और ये एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं ए बी इक्वल नहीं है पी क्यू के, ए सी इक्वल नहीं है पी आर के और बी सी इक्वल नहीं है क्यू आर के। मतलब इसकी जो पहले वाले की तीनों साइड्स हैं वो दूसरे वाले ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल नहीं हैं, तभी तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है ना ये, अगर इक्वल होते तो कॉन्ग्रुएंट हो जाते। अब जब
साइड्स इक्वल हैं तो उनके पैरीमीटर्स भी इक्वल होंगे, बट जब हमने जो दोनों ट्राइंगल के साइड्स बिल्कुल अलग अलग बनाई हैं, इसका मतलब इनके पैरीमीटर भी क्या होंगे बच्चों, अनइक्वल होंगे, नॉट इक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू पी क्यू, ए सी इज़ नॉट इक्वल टू पी आर, बी सी इज़ नॉट इक्वल टू क्यू आर, हैंस पैरीमीटर ऑफ बोथ ट्राइंगल्स इज़ नॉट इक्वल, ठीक है, आई बात समझ में। और आपको फिगर भी इसी वे में बनाना है, ठीक है, आप रफली कोई भी मेजरमेंट लेकर बना सकते हैं, बस आपको कॉन्ग्रुएंट में ये ध्यान रखना है कि आपको जो पहला वाला ट्राइंगल बनाना है उसी जैसा आपको दूसरा वाला ट्राइंगल बनाना है उसी साइड्स के साथ। और दूसरे वाले फिगर में आप ये ध्यान रखेंगे कि आप पहला जो ट्राइंगल बनाएंगे वो अलग बनाएंगे और दूसरा जो ट्राइंगल बनाएंगे वो बिल्कुल अलग बनाएंगे, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो इनकी साइड्स भी कैसी होंगी बच्चों, इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। जब मैं ए बी सी ट्राइंगल को पी क्यू आर पर रखूँगी तो ये बिल्कुल ओवरलैप नहीं करेगा ना, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट उसमें ए बी सी ट्राइंगल को डी ई एफ पर रखूँगी तो वह उसको बिल्कुल ओवरलैप कर लेगा, इट मीन्स वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो हम इनके पैरीमीटर के बारे में क्या कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का पैरीमीटर इक्वल होगा और जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है उनका पैरीमीटर इक्वल नहीं होगा, ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं हम, क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ टू ट्राइंगल्स सच दैट दे हैव 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बट स्टिल द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। मतलब आपको दो ट्राइंगल्स का रफ स्केच बनाना है जिसमें कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हों, पांच कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हों, लेकिन उन कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स होने के बावजूद भी वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ना हों, मतलब उनमें कोई भी रूल ना लगे, ना हम एस 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 रूल लगा पाए, ना ए एस ए रूल लगा पाए, ना एस ए एस रूल लगा पाए और ना ही आर एच एस रूल अप्लाई कर पाए, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने एक रफ स्केच बनाया है ये दोनों ट्राइंगल्स का, आप फर्स्ट वाला ट्राइंगल देखिए, आपको ये रफली बनाना है, मेजरमेंट्स नहीं करनी है, रफली देखना है। देखो मैंने क्या किया है, पहला जो ट्राइंगल बनाया है तो ये जो एंगल पी है वो एंगल एस के बराबर बनाया है, एंगल क्यू किसके इक्वल बनाया है, एंगल टी के, और आर बनाया है इक्वल किसके बच्चों, यू के, ठीक है, यहाँ पर आप ये लगा लीजिए, तो आर है यू के, मतलब इस पहले वाले ट्राइंगल की तीनों एंगल इक्वल हैं दूसरे वाले ट्राइंगल के, और दो साइड्स इक्वल कर दिए मैंने, कि जो पी क्यू है वो इक्वल कर दी है किसके, पी क्यू जो है बच्चों वो किसके इक्वल कर दिए, देखो जो पी क्यू है वो इक्वल है किसके, टी यू के, और जो पी आर है वो इक्वल है एस टी के, मतलब पांच कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स आपको दिख गए इसमें, कि एंगल पी इक्वल टू एंगल एस, एंगल क्यू इक्वल टू, सॉरी एक बार देख लें दोबारा देख लेते हैं ना क्या है, देखिए जो एंगल पी है वो बराबर है एंगल टी के, देखो आप थ्री लाइन्स देख रहे हैं ना इसमें, और एंगल क्यू है वो किसके बराबर है एंगल एस के, और एंगल आर है वो किसके इक्वल है एंगल यू के, मतलब तीनों एंगल इक्वल हैं, और कौन से दो पार्ट्स और हैं, आप पी आर, पी आर किसके इक्वल है बच्चों एस टी के, और पी क्यू इक्वल है टी यू के, मतलब 5 इक्वल कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स इसमें हैं, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही इक्वल है, तो 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स तो आप लिख देंगे। बट अब आप इसमें देख रहे हैं क्या हम इसमें कोई भी रूल लगा पा रहे हैं, देखो आप ये देखेंगे कि क्या हम इसमें कोई भी रूल लगाकर इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पा रहे हैं या नहीं, तो आप इसको ओरली भी देख सकते हैं, रफली स्केच आप मतलब पिक्चर डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, तो हम ये देखेंगे कि हम इसमें कोई भी रूल नहीं लगा पा रहे हैं, है ना, नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि देखो अगर हम इसको देखें दो एंगल एक साइड तो देखो, बट अगर हम इस वाले फिगर में देखें तो दो एंगल एक साइड, लेकिन जो पी क्यू है वो एस टी के बराबर नहीं है, वो पी क्यू किसके बराबर है टी यू के बराबर है, इसका मतलब ये नहीं है इक्वल, नहीं है ना, तो इसमें हम ए एस रूल भी नहीं लगा पा रहे हैं, आर एच एस रूल भी नहीं लग जाएगा इसमें, लगेगा नहीं, एस 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 रूल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि एस 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 रूल के लिए तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए जो नहीं है। अब बचा आपका एस ए एस, मतलब दो साइड और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल, तो बच्चों वो भी रूल इसमें अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो हम
फाइव कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स होने के बावजूद भी जो ट्राइंगल PQR है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। वो कॉन्ग्रुएंट क्या है? वो नहीं है। आप लिखेंगे ट्राइंगल PQR इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू किसके, बताइए। जो ट्राइंगल PQR है वो किसके कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ? TSU के, ठीक है। क्योंकि देख कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का तो हम ध्यान रखेंगे ना, तो जो ट्राइंगल PQR है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा बच्चों ट्राइंगल TSU के। तो आपको उस तरीके से रफ स्केच ही बनाना है और इसके आप फाइव कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स लिख देंगे और फिर लिखेंगे कि जो ट्राइंगल PQR है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है ट्राइंगल TSU के। ओके, तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, इफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, मतलब ट्राइंगल ABC है और ट्राइंगल PQR है वो क्या है बच्चों? कॉन्ग्रुएंट है। नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, मतलब देखो आपको ये दो चीज़ें तो इक्वल दी हैं कि जो एंगल B है वो इक्वल है एंगल Q के और जो एंगल C है वो इक्वल है एंगल R के, बट आपको एक चीज़ नहीं दी गई है, दैट इज क्या नहीं दी गई है आपको कि हमें आपसे ये पूछा गया है कि दो चीज़ें तो आपको इक्वल दी हैं बट आपको एक और ऐसा पेयर बताना है जिससे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो है, तो एक और पेयर बताना है कि ट्राइंगल क्या हो जाए? कॉन्ग्रुएंट हो जाए। और आप कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करेंगे? तो देखिए जब हमें दो एंगल दिए हैं है ना, तो दो एंगल हमें गिवन है, तो हमारे पास ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिसमें हमें दो एंगल्स की नीड पड़ती है? कौन सा है? ASA है ना, उसमें दो एंगल हों और उनके बीच की क्या हो? साइड। तो देखिए जब ये दो एंगल हमें गिवन है, ये दो एंगल गिवन है, तो कौन ये जो साइड है यही तो साइड होनी चाहिए, ये वाली और ये वाली। तो अगर ये साइड इसके इक्वल हो जाए तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब हमें कॉन्ग्रुएंट दिए हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि कौन सा BC इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? QR। BC इक्वल क्या हो जाएगा? QR है ना। उससे क्या हो सकता है? उससे ये हो जाएगा कि ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और हमने कौन सा क्राइटेरिया इस्तेमाल किया? ASA। कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया बच्चों? ASA। ठीक है, आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो अगर जो BC है वो QR के इक्वल है तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कौन से क्राइटेरिया से हो जाएंगे? ASA। कौन सा रूल यूज़ करा हमने इसमें? ASA। ठीक है, चल अब हम क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं और वो आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक्सप्लेन वाई, आपको एक्सप्लेन करना है क्यों ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FET। मतलब आपको ये बताना है, आपको ये दिया है ना, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FED, मतलब जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल FET के, और आपको बताना है क्यों, मतलब ऐसे कौन सी तीन चीज़ें इक्वल हैं जिसके थ्रू जो ABC है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल FED के। ठीक है, देखिए मींस अल्टीमेटली आपको ये करना है कि आपको ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट करना है बच्चों किसके? ट्राइंगल FED के, ट्राइंगल FED के। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। हम लेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। ठीक है, हमारे पास जो ट्राइंगल है हमने उसमें लिखा, अब जो हमें गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। क्या क्या हमें दिया गया है? देख यहाँ पर आपको तीनों साइड तो दी नहीं गई हैं, तो हम इसमें SSS रूल भी नहीं लगा सकते हैं। आपको दो साइड, दो एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है, बट आप इसमें देख सकते हैं, इसमें क्या देख सकते हैं कि ASA रूल के लिए क्या होना चाहिए? दो साइड, दो एंगल और उनके बीच की साइड, दो एंगल और उनके बीच की साइड। लेकिन आप इसमें यहाँ पर कहीं भी नहीं ऐसा देख पा रहे हैं, क्योंकि दो एंगल यहाँ अलग हैं और यहाँ साइड बिल्कुल अलग है। इसी तरीके से दो एंगल यहाँ पर अलग हैं, साइड बिल्कुल अलग है। जब हमें ये साइड अगर इक्वल दी है तो या तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होना चाहिए? इसके इक्वल होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे हम। पहले हमारे पास जो गिवन है हम उसे देखते हैं, क्या है कि जो एंगल बी है
वो इक्वल है एंगल ई के, क्यों ब्रैकेट में 90 डिग्री। और क्या गिवन है कि जो एंगल ए है वो इक्वल है बच्चों एंगल एफ के, एंगल ए है वो इक्वल है एंगल एफ के। लेकिन हमें जब हम प्रूव कर रहे हैं तो इसकी नीड हमें नहीं है, हमें किसकी नीड है, इसकी नीड है। तो कैसे ना कैसे करके हम इस वाले एंगल को इसके इक्वल करते हैं। तो देखिए करते हैं कि कैसे करेंगे हम, है ना। देख हमें पता है कि तीनों ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180। यही होता है, ठीक है। हमने इसको यही लिखा रहने दिया, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, हमने इसे ऐसे ही लिखा रहने दिया। और हम इस 180 डिग्री की जगह ये लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 180 डिग्री भी इसके बराबर है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ओके, आई बात समझ में। चलिए अब आप देखिए कि जो एंगल डी है वो किसके बराबर है, किसी के नहीं, तो एंगल डी को हम ऐसे ही लिखा रहे हैं। एंगल ई किसके इक्वल है बताइए, एंगल ई, एंगल ई किसके इक्वल है, एंगल बी के। तो एंगल ई की प्लेस पर मैं एंगल बी लिख सकती हूँ। प्लस एंगल एफ, एंगल एफ किसके इक्वल है बच्चों, ए के। तो एंगल एफ की प्लेस पर मैं एंगल ए लिख सकती हूँ, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, है ना, समझ में आया सभी को। अब देखिए हम ये बी से बी कैंसिल हो गया, है ना, और ए से ए कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या रहा कि जो एंगल डी है वो किसके इक्वल हो गया बच्चों, एंगल सी के। मतलब जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। अब हम इसमें ए ऐसे रूल लगा सकते हैं, क्योंकि देखो एक तो ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया, और एक और लिख सकते हैं कि जो बी सी है वो बराबर है बच्चों डी ई के, बिकॉज गिवन है, क्या है आपको गिवन है, है ना। तो हम लगा देंगे बाई कौन से रूल से बच्चों, ए एस ए रूल। क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी अब कॉन्ग्रुएंट टू, नाउ वी हैव टू सी कि कौन से पार्ट किसके करस्पॉन्डिंग है। तो देखिए हमने, हम एंगल्स के थ्रू लगा लेंगे पता कि जो ए है वो किसके करस्पॉन्ड है, एंगल एफ के, है ना। जो बी है वो करस्पॉन्ड है किसके, एंगल ई के, और एंगल डी सी, यहाँ पे हम सी लिखेंगे ना, वो किसके करस्पॉन्ड है डी के, है। तो पहले एफ फिर ई फिर ई डी, तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई डी। यही प्रूफ करना था हमें, क्या प्रूफ करना था, ट्राइंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था ट्राइंगल एफ ई डी के, ठीक है। यही तो पूछा था कि ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है, क्योंकि इस पार्ट्स इक्वल है, डेट्स वाई वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो जब आपसे ऐसा पूछा जाए तो आप क्या कर दीजिए, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए, जिससे प्रूव हो जाएगा कि जो भी हमें चीज़ प्रूफ करनी है डेट विल, हम क्या कर देंगे उसको प्रूफ कर देंगे, हो जाएगा वो प्रूफ। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई टी। तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया। अब बच्चों इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.2 भी फिनिश होती है, और एक्सरसाइज के साथ साथ आपका एक चैप्टर भी फिनिश होता है। तो आई होप आपको अच्छे से कॉन्ग्रुएंसी समझ में आई होगी कि कौन कौन से रूल्स हम यूज़ करते हैं, उनको अच्छे से याद रखिए और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, ठीक है। चलिए तो आज आपको होमवर्क करना है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।